क्या आप सोच सकते हैं कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन काम मांग सकते हैं? अगर मैं कहूं तो शायद नहीं, लेकिन ये है बिल्कुल सही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, चलिए आपको बता ही देते हैं। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर एक जॉब एप्लीकेशन पोस्ट की है, जिनमें अमिताभ ने अपने बारे में सारी बातें लिखी हैं। उनकी उम्र क्या है, उनका नाम, जन्म, हाइट और अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ उन्होंने इस एप्लीकेशन में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अब तक वो पिछले 49 सालों में तकरीबन 200 फिल्में कर चुके हैं और वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी, पंजाबी और बंगाली भी बोल सकते हैं। साथ ही अमिताभ ने लिखा है कि उनकी हाइट इतनी है कि फिल्म मेकर्स को इन एक्ट्रेसेस के साथ उन्हें कास्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया अमिताभ ने, क्या उनके पास काम की वाकई कमी हो गई है? लेकिन हम कहेंगे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उनके पास तो 76 साल की उम्र में भी इतने काम हैं जितने किसी न्यू कमर के पास नहीं होंगे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है कि दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ की हाइट इतनी ज्यादा है कि फिल्म मेकर्स को इनके साथ आमिर खान और शाहिद कपूर जैसे कलाकारों के अपोजिट कास्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। अब कोई फिल्म मेकर्स को ये कैसे बताए कि उनके एक्सपीरियंस को देखें, उनके काम करने के तरीके को देखें, तभी पता चल पाएगा कि हकीकत में आमिर और शाहिद की हाइट कम नहीं है, दीपिका और कैटरीना के ओहदे और एक्सपीरियंस में कमी नजर आती है। वैसे अमिताभ ने न्यूज़पेपर की खबर पर कटाक्ष करते हुए ये बातें अपने ट्विटर पर लिखी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका ये कहना बिल्कुल सही है। किसी की हाइट उसके काम करने में रोड़ा नहीं बनती। जो फिल्म मेकर्स ऐसा कह रहे हैं तो हमारी उन्हें एक सलाह है कि दीपिका और कैटरीना से जाकर बस पूछें कि क्या वो आमिर और शाहिद के साथ काम करना चाहेंगी। हमें यकीन है कि जवाब हाँ में ही आएगा। दोनों तो जैसे इंतजार में ही रहती हैं कि कैसे और कब उन्हें आमिर और शाहिद के अपोजिट काम मिल जाए।